रघुनाथ हस्पताल लुधियाना विखे COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम तहत कोवाशील्ड वैक्सीन लगाउण दा आरंभ होया। की कहना सी इस बारे हस्पताल मैनेजमेंट मैंबरां दा, आओ जानदे हां उन्हां दी ही जुबानी। हाँ जी, मैं एक संदेश देना चाहनी हाँ कि अज साडे रघुनाथ हॉस्पिटल में जिहड़ा एक मास लैवल ते COVID-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कदम हैगा इन द फाइट फॉर COVID-19। इहदे च रघुनाथ हॉस्पिटल में अज असी वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू किया है और यह कोवाशील्ड वैक्सीन है जिहड़ी कि सानू सब नू लगी है। इहदियां दो डोजेस लगनगियां, अज पहली डोज लगी है, आफ्टर 28 डेज जिहड़ी हैगी सैकेंड डोज लगाई जाएगी। जिथे तक वैक्सीन की एफिकेसी सेफ्टी का सवाल है उहदे विच कोई डाउट नहीं है एंड आई थिंक वी शुड हैव फेथ इन आर सिस्टम ऑफ आर हेल्थ डिपार्टमेंट। जिस तरह कि लोगों ने साडे विच फेथ दिखाया टूवर्ड्स द हेल्थ वर्कर, इस तरह ही सानू भी अपने सिस्टम विच फेथ दिखाना चाहिए। इस करके वी शुड ऑल गो एड विद इट एंड आई रियली विश एंड प्रे कि द वर्ल्ड विल सून बी कोविड फ्री, COVID-19 फ्री बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। मैडम, जिदा लोगों को बहुत बड़ा खौफ पिया सी जिदा वे लोगों को घबराहट पैंदी है जिदा टीका लाने नाल नुकसान हो सकदा, लेकिन उन्होंने लोगों का कितना नुकसान दे बैन करना चाहिए। नहीं देखो, इस तरह हैगा कि एक तो मैं पहला तो यह कहना चाहवांगी कि जड़ी माइनर साइड इफेक्ट्स हैं वो किसी भी वैक्सीन के नाल हो सकते हैं, इट इज़ नॉट एक्सकलूसिव टू COVID-19 वैक्सीन। जड़ी कि आम असी होर भी वैक्सीन लगाने वो माइनर इफेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, इस करके वो बिल्कुल घबराहट की लड़ नहीं हैगी। अगर असी हुण तक का डाटा देखिए तो इंडिया में हुण तक 1.5 लाख तो उपर कल का जो डाटा सगा 1,48,000 हैल्थ केयर वर्कर लग चुका हुआ है टीका और ये कोई भी साइड इफेक्ट मेजर साइड इफेक्ट हुण तक सामने नहीं आया हैगा, तो इस करके ये कोई घबराने की गल नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा जा जड़े ये जड़ी हैगी है वैक्सीनेशन है जड़े कि यंग पॉपुलेशन है, स्टडीज़ हुई नहीं है, लैस दैन 18 ईयर प्रैगनेंट लेडीज़ विच लैक्ट जड़े कि ब्रेस्ट फीड करते हैं उन्होंने भी हले स्टडीज़ नहीं हुई हैं, इस करके दैट पॉपुलेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन। बट अदरवाइज इफ वी स्पीक फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज क्वाइट सेफ वैक्सीन टू गैट इट। उम्र का भी है कोई? हाँ जी, मैं तुहानू यही दस रही हाँ कि जिहड़े 18 साल तो नीचे जिहड़े बच्चे हैगे आ उन्हां विच हले वह प्रायोरिटी तो नहीं है। एक्चुअली उहदे दो रीज़न है, एक तो यंगर पॉपुलेशन की वैसे भी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग होंदी है, एक यह भी रीज़न है, प्लस हले उन्हां विच जिहड़ी यंगर पॉपुलेशन है उहदे विच इन्नियां स्टडीज़ हुई नहीं है, जिहड़ा साडे कोल डाटा इन्ना है नहीं है वर्ल्डवाइड, इस करके दैट पॉपुलेशन इज़ एक्सकलूडिड एंड मोर दैन 18 ईयर्स आई थिंक एवरीबडी इज़ एलिजिबल अनलैस अनटिल कोई इस तरह की कॉन्ट्राइंडीकेशन है कि उन्होंने सॉल्ट का कोई रिएक्शन है या कोई इस तरह, अदरवाइज देर इज़ नो कोई ये इस तरह की मनाही नहीं है कि तुसी नहीं लगवा सकते। कोरोना महामारी जंग के रूप दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेड़े कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया मास बेसिस से, अज लुधियाने रघुनाथ हॉस्पिटल प्रोग्राम शुरू किया गया। हमारे मेडिकल सब्जेक्ट डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर डॉक्टर मोहनजीत कौर, सैकटरी श्री रजीश जैन, माई इलेक्ट्रीशियन चंद गुप्ता, प्रेजिडेंट श्री संदीप गोयल, ज्वाइंट सैकटरी श्री सुरेंद्र गुप्ता, एग्जीक्यूटिव मैंबर डॉक्टर इंद्रेश अग्रवाल, डॉक्टर बंदा राजपूत, इन सभी ने वैक्सीनेटन लगाया और वी आर क्वाइट ठीक ठाक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। सो देर जो कन्फ्यूजन चल रही है हिंदुस्तान में ये वैक्सीनेशन से कोई बैड रिजल्ट होते वो गलत है, सबको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ दी अवर सेल्फ। सो आई होप द जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोग्राम शुरू की है इसको सब लोगों को वैक्सीनेशन पूरे दिल से लगाना चाहिए, इससे कोई बैड इफेक्ट नहीं है, जो प्रोपोगंडा हो रहा है गलत हो रहा है। सो हम सबको मिलजुल कर लगाना चाहिए। रघुनाथ हॉस्पिटल हमारा ऐसा सेंटर है जो नज़दीक और भी लोगों के जो हमारे क्लिनिक बने हैं उनके भी जहाँ पर लगने हैं, तो डॉक्टर हमारे डॉक्टर मोहनजीत कौर, डॉक्टर हमारी ऋतु गुप्ता, सभी जितने हमारे डॉक्टर या स्टाफ है हमारे स्टाफ पे है, डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हमारी डॉक्टर रंजीत की भी लगा है, तो हम हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन हम दे रहे हैं और हॉस्पिटल को भी दे रहे हैं, पेशेंट को भी दे रहे हैं, सिविल सर्जन की सेक्शन की गाइडलाइन को भी पूरा पूरा हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लुधियाना तो बिक्रम सैनी की रिपोर्ट, फॉक्स.पंजाबी, योर सिटी योर न्यूज़।